हतीन विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में भाजपा नेता धर्मेंद्र तेवतिया ने विजय संकल्प यात्रा के जरिए हतीन से चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी पेश की है। भाजपा नेता धर्मेंद्र तेवतिया ने विजय संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। गांवों में जगह जगह उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता धर्मेंद्र तेवतिया ने कहा कि जिस तरह से देश में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, ठीक उसी तरह प्रदेश में 75 से ज्यादा सीटें जीतकर मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि मनोहर लाल सरकार ने पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य किए हैं और योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं। इसी कारण प्रदेश की विपक्षी पार्टियां भाजपा के मिशन 75+ से बौखलाई हुई हैं। विजय संकल्प यात्रा के दौरान क्षेत्र के युवाओं को जागरूक करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, जो हतीन क्षेत्र के गांवों में युवाओं को भाजपा पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी ने सदस्य बनाने का जो संकल्प लिया है वो अवश्य पूरा होगा। हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल होगा कि पार्टी उन्हें यदि हतीन से चुनाव लड़ने का मौका देती है तो वो हतीन क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास कराने का काम करेंगे। साथ ही हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के भाईचारे को कायम किया जाएगा। हतीन क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यदि पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया तो वो इन सभी समस्याओं को खत्म करने का काम करेंगे। पलवल से संजय राठौर के साथ वीना चौहान की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो देश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। माननीय कृष्णपाल जी को देश में तीसरे नंबर की जीत मिली है। उस जीत का धन्यवाद करने के लिए पूरे हतीन विधानसभा क्षेत्र में लगभग 500 गाड़ियों के काफले के साथ साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का प्रायोजन संगठन पर्व 2019 के तहत लोगों को जागरूक करना और सदस्यता ग्रहण करने के लिए भी प्रेरित करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसमें शीर्ष नेतृत्व ने 20% और नए सदस्य बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसको भी हम इस तरह से जागरूकता लोगों को करते हुए, जागरूकता लोगों को फैलाते हुए ही वो सदस्यता का जो हमने जो संकल्प लिया है वो पूरा होगा। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उन नीतियों को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड गाड़ियों पे लगाए हैं, फोर व्हीलर पे लगाए हैं, अलग से गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। उन सभी नीतियों के जो बोर्ड लगाकर और लोगों को जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करते हुए क्षेत्र में पूरी हतीन विधानसभा में उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। आज ये जो हमारी विजय संकल्प जो यात्रा है इसको आप कलवा का बूथ नंबर 1 से समझ सकते हैं, लेकिन जैंदापुर जो कि यहाँ एक क्षेत्र है जिससे लगे आसपास के गांव हैं और यहाँ से इस यात्रा को सुगमता से चलाया जा सकता है, तो यहाँ से होते हुए कानोली, शारोली, मिंडकोला, महेशपुर, बढ़ा, नंगली, धामाका, दुर्गापुर, अहरवा, भंगूरी, हतीन या जो नगर परिषद का पालिका का क्षेत्र है उसमें चारों तरफ से घूमती हुई बाजार में से फिर सीधे उटावड़, कोट, आलीमेव, आली ब्राह्मण, अंधोप, खाईका, नांगल जाट, बहीन, मानपुर, गहलव, कौंडल, रहराना, चिरावटा, टीकरी ब्राह्मण, फुलवाड़ी होते हुए इसका समापन हतीन विधानसभा का आप इस यात्रा के लिहाज से आखिरी गांव बामनी खेड़ा कह सकते हैं, वहां पर इसका समापन होगा। इस यात्रा से लोगों में चर्चा है कि आप अपनी जो टिकट की दावेदारी विधानसभा से तारे हतीन से। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। इससे पूर्व भी लोकसभा का इलेक्शन से पहले पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई रैली का आयोजन किया था तो आप सबके सहयोग से, क्षेत्र की जनता के सहयोग से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माननीय कृष्णपाल जी के आशीर्वाद से विजय शंखनाद रैली का आयोजन हतीन में किया गया था, जिसमें से 15 से 20 हज़ार की संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्गों और नौजवान साथियों ने पहुंचकर उस रैली को ऐतिहासिक रैली बनाया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता हूं, लेकिन पार्टी का जैसा भी आदेश होगा, भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे और मेरा काम पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और पार्टी के लिए एक बड़ा संगठन खड़ा करना है। धर्मेंद्र जी, विधायक बनने के बाद आपके क्षेत्र की प्राथमिकता क्या होंगी? ऊपर वाले के आशीर्वाद से और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, शीर्ष नेतृत्व और माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से अगर कभी ऐसा मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि हतीन विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। राजनीतिक परिस्थितियां पूर्व में ऐसी रही हैं कि यहां
हमेशा जो विधायक रहे हैं वो विपक्ष के ही रहे हैं। लोगों की आशा और आकांक्षाएं बहुत हैं। बिजली पानी जो मूलभूत सुविधा हैं, हतीन से आगे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा का जो स्तर है मेवात के क्षेत्र में है वो भी निम्न स्तर पे है। मैं कोशिश करूँगा अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएँ हों, शिक्षा में जो गुणवत्ता हो उसमें सुधार हो, बिजली पानी लोगों तक पहुँच सके, और एक हमारे हतीन की मांग जो बाईपास की जो मांग काफ़ी दिनों से लंबित है, मुझे अगर कभी भगवान ने समय दिया तो मैं इन सभी मांगों पर गौर करते हुए क्षेत्र में हिंदू मुसलमान से प्रार्थना करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरे क्षेत्र में हमेशा शांति और सद्भाव की भावना रहे, और विकास कार्यों का अगर कभी मौका मिला तो विकास कार्यों में कभी नहीं छोड़ूंगा और जनता के दुख सुख में 24 घंटे समर्पित रहूंगा। पार्टी संगठन ने आपको, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो भी पार्टी की जो नीतियां होती हैं समय समय पर उन नीतियों का प्रचार और प्रसार करता हूं, और मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसे बड़ा से बड़ा संगठन करना चाहता हूं।